बिस्तरों पर पड़े मरीज, किसी का सिर टूट गया है तो किसी का हाथ, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें वाराणसी के मंडलीय अस्पताल की हैं। वाराणसी फ्लाईओवर हादसे के शिकार कुछ लोगों ने यहाँ दम तोड़ दिया, वहीं कुछ अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। वाराणसी में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है जिसमें कई जाने गई हैं। घायलों को शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 लोग यहां लाए गए थे जिनमें 6 की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल यहां पर लाए गए हैं, आप देख सकते हैं उनका इलाज यहां पर चल रहा है। कबीर छोरा अस्पताल है ये, यहां पर हम लोग मौजूद हैं। उनके परिजन भी आ चुके हैं यहां पर, और उसके बाद 4 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल थे जिनमें 1 की स्थिति ज्यादा खराब थी, उसको यहां के अस्पताल प्रशासन ने BHU के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया है। हालातों को देखते हुए अस्पताल में इमरजेंसी की तैयारी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा सके। ये SIC साहब ने, सुप्रिटेंडेंट साहब ने यहाँ पूरा स्पेशल वार्ड तैयार कर रखा है और अभी भी 6 बेड यहाँ पर हैं और बगल में भी एक और वार्ड को तैयार कराया जा रहा है। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो यदि लोग आते हैं तो, और पूरी जो कबीर चौरा हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम है सबको इमरजेंसी ड्यूटी में बुला के यहाँ पर तैयार रखा गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों ने चंद सेकंड में मौत को बेहद करीब से देखा और हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी बताई। जाम था, काफी जाम था सर। अब जाम में सर एक बैग रिवाइडर गिरा सर, बस थी, सिटी बस थी और वो रिवाइडर सिटी बस के ऊपर गिरा, उसके बगल में हम लोग थे सर, और हम लोग बाइक उसी के अंदर दब गई सर, हमारा पैर फंसा। कितने लोग दबे होंगे, कितनी गाड़ियां दबी होंगी? 3 बस है सर। वाराणसी में हुए इस हादसे के बाद हमने 5 बड़े शहरों के फ्लाईओवर्स का रियलिटी चेक किया। बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ से लाना ही नहीं चाहिए था, डायवर्जन कर देना चाहिए। अभी भी इतना वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है लेकिन अभी भी हमारा प्रशासन नहीं समझ आ रहा है कि इधर से अलाउ कर रहा है लोगों को आने के लिए। हादसा हुआ है पुल के नीचे, यहाँ पर भी हो सकता है। प्रशासन के तरफ से कोई भी काम अभी तक नहीं हो रहा है। दो साल से लटका पब्लिक, इतनी निकलती है, मर जाए स्कूली बच्चे भी दिखते हैं, हो सकता है कुछ भी घटना घट सकती है। बनारस में तो हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, वहाँ शासन के लापरवाही से हुआ है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। यहाँ जो मोहनापुर में बन रहा है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यहाँ सिक्योरिटी तैनात है, यहाँ खतरा होने की कोई संभावना नहीं है।